रोटी मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, दुआ मिलेगी, ठीक है। ये सुबह चलना हो फोन करते ना, एम्बुलेंस आके ले जाएगी सर। आधार कार्ड वगैरह बोला हुआ मेरे पास? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कहाँ से आया हुआ है? पीछे से अमृतसर से। अमृतसर से आया? कब का आया हुआ है? मेरे को जी मैं 10 साल की उम्र। कब का आया हुआ है? पहले काम करता था, रक्षा चलाता था। अच्छा, अब काम होता नहीं है? आ गई। हाँ तो फिर तू, तुम्हारे लिए तो ठीक है ना, वहाँ तेरे को खाना पीना सब मिलेगा, दवाई मिलेगी, सब मिलेगा। सुबह किसी से भी फोन करवा दो ना इस नंबर पे, माफी तेरे को आगे ले जाएंगे, ठीक है। हाय गाइस, अभी रिसेंटली मैं गंगानगर गया था, जहां पर मेरी अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मजारे लैला मजनू की स्क्रीनिंग थी। ये गंगानगर में भी थी और अनूपगढ़ में थी। तो वहां पर मैंने कई बहुत सी अद्भुत चीजें जानने का मुझे मौका मिला, जिनके बारे में मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूंगा। मगर आज का जो व्लॉग है वो मेरे दिल के काफी करीब है, वो इमोशनल होने के साथ साथ एक आई ओपनर भी है। वहां पर एक ऐसी संस्था है जिसका नाम है अपना घर आश्रम, जो ऐसे लोगों की हेल्प कर रहा है जिसका समाज में कोई नहीं है, जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज भी है। उनको बहुत अच्छे से ये लोग रख रहे हैं, बहुत साफ सुथरी किचन थी, बाथरूम्स बहुत साफ सुथरे थे, और वहां पे सेवा करने के लिए बहुत सारे वॉलंटियर्स थे, उनके पास एम्बुलेंस थी। जो मैंने वहां पे देखा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इस ब्लॉग के माध्यम से। और इनकी ऑल ओवर इंडिया में 55 ब्रांचेस हैं। अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप इधर इन कैश और काइंड इनकी हेल्प कर सकते हैं। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं अपना घर आश्रम श्री गंगानगर। अपना घर आश्रम श्री गंगानगर में पठाना वाले में बना हुआ है, और ये यहाँ पे करीब 2.5 बीघे में बना हुआ है, और 90 बेड का हाल है यहाँ पे। यहाँ पे हम उन लोगों को रखते हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं है, उनका खाना पीना इलाज दवाई वो सब यही उनको प्रोवाइड कराते हैं। आपको भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लवारिस है, डिसेबल है, पैरालाइज है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो कृपया आप हमें सूचित करें, हमारी एम्बुलेंस जाके उनको ले आएगी, और उनका यहाँ रहना, उनका खाना पीना वो सब यहीं हम प्रोवाइड कराते हैं। क्या क्या नाम क्या आपका? कुलदीप राय बार। कहाँ से हो आप? गंगानगर। तो आप यहाँ पे कैसे आए, किसने बताया यहाँ के बारे में? वही तो कहा भांजा, उसने क्या कहा? जाओ, आपकी जगह नहीं है यहाँ। आप कहाँ से हैं? अबोर से। हैं? अबोर से। अबोर? पंजाब। अच्छा, तो आपका क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं, आँखों गई। अच्छा, तो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे कैसे आए? जैसे छोड़ दिया है। किसने छोड़ा? बहन ने। हैं? बहन बनवाई है। बहन ने? तो आपको कब से ये आँखों की प्रॉब्लम? आँखों की प्रॉब्लम तो शुरू से ही बचपन। तो अब वो क्या अच्छे से नहीं रखते थे क्या आपको? नहीं, ये माता पिता नहीं है, डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ छोड़ दिया है? जब तक वो थे तब तक वो ध्यान रखते थे आपका? अगर बाकी 55 सेंटर्स कहाँ के? इसके अलावा राजस्थान के अंदर भी, जयपुर के अंदर है, बस्सी में, भरतपुर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, अजमेर में है, जोधपुर के अंदर है। कि फंडिंग कहाँ से आती है आपके पास? फंडिंग ऐसे कि हमारे संस्था से बहुत सारे सदस्य जुड़े हुए हैं, जो कि जैसे कि हमारा सुबह का 11 बजे का लंच होता है, तो लोग अपने मैरिज एनिवर्सरी पे, बच्चों के बर्थडे के ऊपर, तो यहाँ पे आके वो खाना इनका करवाते रहते हैं। तो वैसे हम किसी से कोई डोनेशन या बाजार से नहीं मांगते, किसी से मांगते नहीं है, सिर्फ हम यहाँ एक बोर्ड लगाते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ ठाकुर जी का नाम चिट्ठी। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, सुई से लेकर, चाहे वो हमें सीमेंट चाहिए, चाहे हमें सरिया चाहिए, चाहे हमें गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, उसके ऊपर हम लिख देते हैं। तो ईश्वर अपने आप इनके किस्मत का हमारे पास भेज देते हैं, उसी से सारा जो है इनका खाना पीना जब चलता है। तो कब से चल रही है संस्था ये? गंगानगर में 2014 से चल रही है। पहले हम किराए की बिल्डिंग में थे, और अब जो है ये करीब 3 साल पहले हमने 2.5 बीघा जमीन ली है, और अब जो है इसके अंदर 90 बेड का आप देखिए हाल बना हुआ है, और एक हाल और 90 बेड का इसके अंदर बन रहा है, जिसका फ्लोरिंग का काम अभी चल रहा है।
अभी हमारी 90 की कैपेसिटी है, जिसके अंदर हमारे पास करीब 95 इन्हें प्रभु जी कहते रह रहे हैं। जब ये 90 का बन जाएगा तो कैपेसिटी फिर उसके अंदर बाद में और बढ़ा दी। अब तक कितने आ चुके हैं आपके यहाँ पे? मतलब टोटल करीब 525 प्रोविजन यहाँ आ चुके हैं, जिन्हें प्रभु जी कहते हैं प्रभु जी। हाँ, तो उसके अंदर 250 प्रोविजन वापस अपने घरों को जा भी चुके हैं, जिनका हमने कोशिश करके पता लगाया कि उनका घर बार कहाँ है, उनके किसी के बच्चे आके ले गए, किसी के पेरेंट्स आके उनको यहाँ से आके ले गए वापस घरों के। अभी प्रेजेंटली कितने प्रभु जी हैं? अभी यहाँ पे करीब 95 है। अच्छा अच्छा। और उनके ऊपर 10 सेवा साथी जो है यहाँ काम करते हैं, तो सेवा साथी जो है सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं की सेवा के अंदर लगे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रभुजन ऐसे हैं जो कि अपना दिनचर्या भी नहीं कर सकते, तो जो सेवा साथी है वो उनको दिनचर्या भी वही करवाते हैं। क्या क्या करता है? सेवा साथी के रूप में हूँ मैं यहाँ पे। सेवा साथी? हाँ जी। अच्छा। गाड़ी चलाता हूँ, एम्बुलेंस, प्रभु जी को लाना ले जाना, दिखाना, सारा मैं करता हूँ। अच्छा, कितने साल हो गए आपको? मेरे को यहाँ काफी साल हो गए। तो खाना वाना कौन बनाता है? अपने रसोइया है। और अच्छा, तो किचन मैंने देखी, बड़ी साफ सुथरी रखी हुई है आपने। हाँ हाँ, हम भी संभालते हैं, देखते हैं अंदर सारा कुछ। तो क्या रहता है आपका दिनचर्या? क्या रहती है दिनचर्या? सुबह प्रभु जी को नहलाना धुलाना, उनकी बेडशीट चद्दर चेंज करना, कपड़े नए पिलाना, फिर नाश्ता खिलाना इनको, इनकी जो दिनचर्या है नाखून है, बाल कटिंग, शेविंग, सारा। अच्छा। कुछ इनको फिर देखते हैं कौन किसी को ले जाना है दिखाने के लिए, क्या इन किसी क्या मेडिसिन देनी है इनको, सबको अलग अलग मेडिसिन चल रही है, सबको दिखाते हैं। चलो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सुरू जी। हाँ जी। कहाँ से हो आप? वैसे तो हरियाणे का, बाकी गंगानगर है। 34 साल। 34 साल। तो यहाँ पे कब से आए आप? यहाँ कब आए? यहाँ होगा 8-9 महीने हो गए। घर पे कौन कौन है आपका? घर पे बहुत है। कौन कौन है? 6 भाई हम। आपकी शादी हो गई? ना, मेरी नहीं, और बाकी सबकी। अच्छा, तो आपको ध्यान रखने वाला कोई नहीं है? बस मैं फिर अपना आश्रम में ठीक रहा हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? तो प्रभु जी जो होते होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? प्रॉब्लम तो जो प्रॉब्लम होती है, वैसे तो कम से कम मानसिक रोगी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो भटके हुए होते हैं ना, उनका मेन जो है ब्रेन के ऊपर ये सब होता है। मतलब उनको कोई संभालने के लिए जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहता? हाँ, कोई भी नहीं लेना चाहता। जैसे कोई माला असहाय है, बीमार है, उसके पास पैसा नहीं है, और उसको इलाज कहाँ होता है उसका ज्ञान नहीं है, और उसका इलाज के बाद खाना कहाँ खाना है, मांग के खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जमीन के ऊपर लेट जाते हैं। 50 सेंटीग्रेड तापमान में भी वो जमीन पे लेटे होते हैं, और माइनस में भी नीचे लेटे होते हैं। तन पे कपड़ा नहीं होता, खाने के लिए भोजन नहीं होता, बीमारी की अवस्था में वो अपना इलाज भी नहीं करवा पाते। उनको हम लोग अपना गिराक्षर में लेके आते हैं, और अपना गिराक्षर में लाने का मेन उद्देश्य ये है कि अगर आपने प्रभु जी के साक्षात दर्शन करने हैं तो आप यहाँ आइए अपना गिराक्षर। कहाँ से आए आप? आपसे आए हैं। आपसे आए हैं। कहाँ से? आपसे। कहाँ रहते हो? दीपक कहाँ से है? दीपक कंपनी से। यहाँ पे कब आए? कल। कल आए? हाँ। कहाँ से आए? भोपाल से। भोपाल। यहाँ का पता किसने बताया? पुलिस ने। पुलिस ने बताया? तो कहाँ? भोपाल में बताया। हाँ। यहाँ जाओ। हाँ। तो यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छे। बढ़िया। हाँ। खाना अच्छा है? हाँ। तो भोपाल में क्या करते थे? टेम्पू। तो फिर क्या हुआ यहाँ आने की? क्या नाम है? विक्की। विक्की, ये मन लग गया? हाँ। ये खाना ठीक है? हाँ। ये ध्यान रखते हैं? हाँ। ये अच्छा, तू कुछ काम करता है? हाँ। ये मदद करता है? तो फीमेल का यहाँ पे नहीं है अभी, फीमेल का नहीं है, और आने वाले समय में उस पर भी विचार चल रहा है, क्योंकि काफी ऐसे फीमेल आती हैं। अभी हम उनको या तो बीकानेर ट्रांसफर करते हैं, या वहाँ पे दोनों है, वहाँ पे दोनों है। भरतपुर के अंदर तो करीब 3500 प्रभुजन रहते हैं, वो तो बड़े लार्ज स्केल पे चल रहे हैं, वो हेडक्वार्टर वही है। नहीं, वाकई वेरी नोबल कॉज, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आपको भी कोई भी ऐसा प्रभुजन वारिस है, बेसहारा है, तो कृपया हमें सूचित कीजिए।
तो हमारी एम्बुलेंस जाके हमारी कोशिश रहती है कि 30 मिनट के अंदर अंदर अपना घर आश्रम में ले आए। जिनका कोई घर नहीं उनका ही अपना घर,